नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी के पीईटी के इस विशेष क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग संविधान राज व्यवस्था में संविधान की विशेषता टॉपिक पर एक क्लास ले चुके हैं। ये उसका जो है दूसरा भाग है और इसके अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने जो है प्रस्तावना, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और इसी तरीके से लिखित एवं व्यापक संविधान तथा विभिन्न प्रकार के संविधानों के अंशों को जो भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के प्रावधान का अध्ययन कर चुके थे। तो आगे हम इसी में जो देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान की जो विशेषता है कठोर एवं लचीले, कठोर एवं लचीले में संतुलन। कभी कभी यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान कठोर है या लचीला है या दोनों है या संतुलन। तो यहां पे कठोर एवं लचीले के बीच में जो है संतुलन की बात कही जाती है। अब ये कैसे है इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था की गई है, भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत जो है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था की गई है उसमें तीन प्रकार की जो है बातें कही गई हैं। एक जो है साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन, दूसरा जो है विशिष्ट बहुमत से, और अगला है साधारण बहुमत प्लस जो है आधे राज्यों के अनुसमर्थन। आधे राज्यों के अनुसमर्थन तो एक हो गया, दो हो गया और तीन, यानी कि पहले में साधारण बहुमत से, दूसरे में विशिष्ट बहुमत से और तीसरे में जो है विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों के, कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। इन्हीं तीनों ही प्रावधानों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत की जो व्यवस्था है संविधान की वो कठोर एवं लचीले के मध्य संतुलन है। यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान है जहां पर साधारण बहुमत से हो सकता है, जैसे अनुच्छेद 2 है, 3 है, 4 है, अनुच्छेद 169 है, तो इनमें जो है संशोधन जो हो जाता है वो साधारण बहुमत से हो जाता है और सामान्यतः इसे संविधान संशोधन भी नहीं कहा जाता है। लेकिन फिर भी जो है ये संविधान संशोधन के अंतर्गत ही व्यवस्था किया गया है, संविधान संशोधन के अंतर्गत एक प्रकार कहा गया है। जैसे 2 और 3 में राज्य के निर्माण की बात कही गई है। अगर हम इस तरीके से देखें 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर 2 पहले आता है, यानी कि बाहर की तरफ 2 है, तो ये 2 में जो है बाहरी राज्य, अगर बाहर के कोई भूभाग को देश में मिलाया जाता है और नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो आर्टिकल 2 के अंदर है। लेकिन जो 3 के अंदर है, जो वर्तमान में भारतीय भूभाग है उन्हीं के किसी भाग को निकाल करके कोई राज्य बनाया जाता है तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत है। तो 2 और 3 दोनों में ही जो है राज्य के निर्माण की बात कही गई है, लेकिन इन दोनों में जो है बाहरी भूभाग के आधार पर 2 और 3 के आधार पर अंदर के जो है राज्य जो भी हैं देश में वर्तमान में भूभाग हैं उनसे मिलकर के जो राज्य बनते हैं वो आर्टिकल 3 के अंदर होते हैं। जैसे कभी कभी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये तो पहले से ही था, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत इसकी जो है इसका निर्माण जो किया गया था और नए राज्य की स्थापना की गई थी। तो अब दूसरी बात जो है विशिष्ट, तो यहां पे जो संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे, 2 और 3 में राज्य हो गया, और 169 में जो विधान परिषद के निर्माण की बात है या समाप्त करने की बात है, इसमें यह ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद जो 169 है, अनुच्छेद 169 में राज्यों के द्वारा विशेष बहुमत की जरूरत होती है और उसके आधार पर प्रस्ताव भेजे जाते हैं और संसद उसे अपनी साधारण बहुमत से पारित करती है। अर्थात भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पे साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है, ये व्यवस्था ही जो है लचीले संविधान का उदाहरण है। कुछ ऐसे बातें होती हैं जहां पे विशिष्ट बहुमत की अपेक्षा होती है, अर्थात उन प्रावधानों में सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा उसमें
परिवर्तन या संशोधन होता है जिसमें मूल रूप से अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और ऐसे सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी अनुसूची में तीसरे प्रकार में शामिल नहीं है वो सभी जो है विशिष्ट बहुमत से जो है पारित किए जाते हैं। तीसरा है आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं जिनको समाप्त करने के लिए या जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के साथ साथ राज्यों की भी जो है बातें आती हैं, क्योंकि राज्य भी जो है संघात्मक शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। जैसे राष्ट्रपति का पद है उसके निर्वाचन की पद्धति है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आर्टिकल 54 एवं 55। इसी तरीके से संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद का मतलब राज्यसभा से वहाँ पे है, और केंद्र राज्य के मध्य जो है विधायी संबंध। इसी तरीके से न्यायालय की व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। सातवीं अनुसूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में कोई परिवर्तन या स्वयं अनुच्छेद 368। ये इतने प्रावधान है जिसमें अगर परिवर्तन किया जाए तो इन सभी परिवर्तनों के लिए जो है कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी बात और आवश्यकता होती है। इस तरीके से आपने देखा कि ये जो व्यवस्था है वो इसे जो कठोर बनाता है। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की मूल भावना को उसी रूप में बनाए रखने के लिए कहीं कहीं पर आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता व्यक्त की गई है और इसी के आधार पर भारतीय संविधान कठोर हो जाता है। तो जब कठोर और लचीले की बात होती है तो भारतीय संविधान के भाग संविधान संशोधन यानी कि भाग 18 के अनुच्छेद 368 में किए गए प्रावधानों में तीन प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख करना होगा। ये तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है ही, तथ्यात्मक रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भाग पूछा जा सकता है, अनुच्छेद पूछा जा सकता है, प्रकार पूछे, लेकिन अगर मुख्य परीक्षा में कहीं पर भी अगर लिखित परीक्षा में आप लोग बैठते हैं तो वहां पर भी आप इसी तरीके से उल्लेख करेंगे और 1.5 से 2 पेज में आप अपना उत्तर बहुत ही प्रभावी ढंग से लिख पाएंगे और अंत में अपना यही निष्कर्ष लिखेंगे जो है कि जो है कहीं कहीं पर साधारण बहुमत से और जो भारत की मूल भावना के रूप है वहां पे विशिष्ट बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन के कारण से भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करता है। तो ये बातें यहाँ पर शामिल हो जाती हैं। तो ये एक विशेषता हम लोगों ने पढ़ा जो है कठोर एवं लचीले के मध्य जो है एक बेहतर संतुलन, एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था, एकात्मकता के तरफ झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था, ये जो है दूसरी व्यवस्था। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत में तो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के द्वारा जो उसकी शासन प्रणाली की भावना है वो संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और इसीलिए सूचियों के माध्यम से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है और दोनों ही स्तर की सरकारें अपनी सूचियों के माध्यम से कानून बनाती हैं, शासन का संचालन करती हैं। इस आधार पर संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। यद्यपि भारत में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि यहां पर जो है यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आर्टिकल 1 के अंतर्गत यह लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत यह इसलिए कहा गया है क्योंकि पूर्व में इंडिया जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर होता था। इंडिया अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेज उस समय थे तो उस समय इंडिया का मतलब इन सभी क्षेत्रों से था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ या कहा जाए इंडिया स्वतंत्र हुआ तो उस समय विभाजन हुआ और जो भूभाग यहाँ के क्षेत्रों में आए उसको भारतवर्ष कहा गया। तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए इंडिया तो कहा गया क्योंकि पूर्व में था, लेकिन उसको और स्पष्ट करने के लिए भारत शब्द भी प्रयोग कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और विवाद की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। दिस मीन कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि वो स्टेट का जो यूनियन होगा वो यहाँ पे संघ के बजाय यूनियन शब्द को प्रयोग में लाता है।
तो इस आधार पर भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। लेकिन यहां पे एक और वाक्यांश जोड़ा गया है, एकात्मकता। भारत की ऐसी स्थिति है जिसमें कहीं कहीं पर ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो भारत को एकात्मकता की तरफ झुकाव देते हैं। इसमें भारत में एकल संविधान की व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल का पद, आपातकालीन व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि भारत कभी कभी एकात्मकता की तरफ झुक सकता है या झुकने से संबंधित इसमें प्रावधान दिखाई पड़ते हैं। उसके भी पीछे कई कारण हैं। एक तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। अगली बात है प्रशासन की एकरूपता। अगली बात है कोई विशिष्ट प्रकार के आपात की स्थिति। ये चार महत्वपूर्ण फैक्टर जिसके आधार पर, जिनके कारणों से जो है भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली तो बनाई गई है लेकिन वह एकात्मकता की तरफ झुकाव लिए हुए है। तो एकात्मकता की तरफ झुकाव लिए हुए भारत में संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया गया है, जो कि भारतीय संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण जो है विशेषता होती है। तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था है संसदीय संप्रभुता, योग न्यायिक न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय। यहाँ पे जो संघात्मक शासन व्यवस्था, इसमें कुछ लोगों ने टिप्पणी भी किया हुआ था, इसी उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। जैसे केसी वियर, ये फैक्ट यहाँ पर छूट रहा है, इसको हम देख लेंगे। केसी वियर ने जो है इसको एकात्मकता एवं संघात्मकता के बीच जो बेहतर संतुलन के कारण से जो है अर्धसंघीय व्यवस्था कहा है। इसको जो है अर्धसंघीय व्यवस्था किसको कहा है? भारत की जो है शासन प्रणाली को, संविधान को केसी वियर ने अर्धसंघीय कहा है। और मॉरिस जॉन्स ने जो है इसे सौदेबाजी संघवाद कहा है, जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा है। तो ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, केसी वियर है और इसके बाद जो है मॉरिस जॉन्स है और ग्रेनविल ऑस्टिन है। मॉरिस जॉन्स ने जो है इसे सौदेबाजी संघवाद और ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा है। केसी वियर ने अर्धसंघ की बात कहा है। तो कई बार कभी कभी तथ्यात्मक रूप से टिप्पणी भी पूछ लेता है, इस चीज को समझ लेना आवश्यक है आप लोगों के लिए। अगला है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में जो है बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक संप्रभुता और न्यायिक जो है सर्वोच्चता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। अगर देखा जाए तो संसदीय जो संप्रभुता की बात है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और ब्रिटेन की संसद जो दुनिया की सबसे जो शक्तिशाली संसद है वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है, और इसीलिए उसके बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ करके बाकी दुनिया का कोई भी काम कर सकती है, इतनी शक्तिशाली है। इसीलिए जो है संसदीय संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था भारत में ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए कुछ विशेषताएं वहां से यहां पे आई हैं, यद्यपि यहां की संसद उतनी पावरफुल नहीं है। तो अब दूसरी बात है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्च का सिद्धांत जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और वहाँ पर इसलिए वो अधिक पावरफुल हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और विधि की उचित व्याख्या या विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर निर्णय किया जाता है, अर्थात उसके बारे में संविधान में प्रावधान है या नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वह प्रकृति के नियमों के आधार पर जो औचित्यपूर्ण होता है, जो कि न्याय को स्थापित करता है, उसके आधार पर निर्णय देता है। इसलिए वहां पे न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना की गई है। भारत में इन दोनों के बीच की स्थिति अपनाई गई है, अर्थात कोई एक दूसरे को शक्ति नहीं देता, बल्कि ये दोनों ही अंग जो है वो
संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं और अपनी सीमाओं में रह करके, अपनी मर्यादाओं में रह करके शासन का संचालन करते हैं। संसद विभिन्न प्रकार के सूचियों में जो दिए गए जो है प्रावधानों के अनुसार शासन करती है, किंतु न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत जो है भारत में जो है उसकी व्याख्या किया जाता है। अगर वो संविधान की भावना के रूप नहीं होता है तो फिर उस पर जो है वो न्यायालय के द्वारा अवैध कर दिया जाता है। इसलिए जो है भारत में संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत जो है संसद उतनी शक्तिशाली नहीं हो पाती जितना कि ब्रिटेन में होती है। और इसी तरीके से न्यायिक सर्वोच्चता के अंतर्गत जो है यदि किसी भी प्रकार की व्याख्या किया जाता है तो वहाँ पर संसद को यह शक्ति होती है कि संविधान में संशोधन भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है दोनों के बीच में जो है एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो ये दोनों ही बातें निकल के आ रही हैं, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में जो है यहाँ पे बेहतर संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग जो है अगले टॉपिक पर चलते हैं कि संसदीय व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था भी लागू की गई है। जैसे कई फैक्ट है, जैसे गणराज्य है, संप्रभु है, संसदीय व्यवस्था है, लोकतांत्रिक है, ये सारी चीजें भारतीय संविधान में निहित है। लेकिन इसके मतलब को हमें समय समय पर समझना और देखना भी चाहिए, तभी हम उससे संबंधित जो है सवालों को परीक्षा में हल कर पाए। संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी जो है व्यवस्था होती है जहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका से चुनी जाती है और वह अपने समस्त कार्यों के प्रति के लिए व्यवस्थापिका के प्रति और अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यही इसकी परिभाषा है। लेकिन अगर हम इसको व्यवहार में देखने का प्रयास करें और अगर अपने देश की व्यवस्था के संदर्भ में देखने का प्रयास करें तो ये कहा जा सकता है कि अगर हम केंद्र में देखें तो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद जो है ये कार्यपालिका के रूप में काम करती है। यद्यपि इसमें जो है महान्यायवादी और इसी के साथ में राष्ट्रपति भी आते हैं, क्योंकि महान्यायवादी विधिक सलाहकार होता है सरकार का और राष्ट्रपति के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट के द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए ये सभी को मिला करके कार्यपालिका कहा जाता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है या प्रधानमंत्री सहित जो है कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल होती है। तो इसमें जो है उसे कार्यपालिका कह सकते हैं और ये कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका से ली जाती है। व्यवस्थापिका का मतलब यह है संसद से यहाँ पे है, यद्यपि उसमें भी राष्ट्रपति निहित होता है। और वहाँ राष्ट्रपति क्यों निहित होता है? क्योंकि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून पर हस्ताक्षर करता है। तो यहाँ पे देखने का मतलब है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से लिया जाता है, यानी कि सरकार जो है वो संसद से बनी हुई होती है और सरकार काम करती है लेकिन संसद के सदस्य उससे सवाल पूछते हैं तो वो उनके प्रति उत्तरदायी होती है और अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका क्या मतलब है कि वो 5-5 वर्ष के आधार पर चुनाव होता है और सरकार को भी जनता के अदालत में जाना होता है और जनता जैसा उचित समझती है उनके पक्ष में जनादेश करती है या उनका विकल्प चुनती है। तो इस आधार पर संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर सरकार जो है वो लोकप्रिय सदन से या जो है संसद से जो है चुनी जाती है और अपने कार्यों के लिए उसके प्रति और अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भारत में विद्यमान है। अगली व्यवस्था हम लोग देखने का प्रयास करेंगे एकल ना न्यायपालिका। अब यहां पे एकल न्यायपालिका का क्या तात्पर्य है? यद्यपि भारत में देखा जाए तो भारत में न्यायिक व्यवस्था की पद सोपान की स्थापना की गई है जहां पे शीर्ष स्तर पर। पद सोपान का तात्पर्य होता है कि ऊपर से नीचे आना, सर्वोच्च पद ऊपर उसके बाद और उससे छोटा उसके बाद, इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं और क्रमशः जो है वो इस पैटर्न पर जो है डेवलप होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, इसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट की व्यवस्था है, उसके बाद यहाँ पे जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट की जो है व्यवस्था होती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट की व्यवस्था होती है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इस तरीके की जो है पदसोपानिक व्यवस्था यहाँ पे की गई है। लेकिन फिर भी एकल या एकीकृत न्याय व्यवस्था स्थापित की गई है, अर्थात केंद्र और राज्य के प्रावधानों को एकल तंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो लागू किया जाता है उसके लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। इसी को कहा जाता है एकल न्यायपालिका या एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना। इकहरी नागरिकता अगली व्यवस्था है। इकहरी नागरिकता
यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई, फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर जो है इकाही नागरिकता का प्रावधान किया, जबकि अन्य देशों में जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ पे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती, जैसे अमेरिका में। लेकिन भारत में केवल इकाही नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से जो लिया गया, जो कि हम लोगों ने अभी अभी जो है इसी के पहले भाग में जो है देख चुके हैं। तो इस तरीके से भारत में इकाही नागरिकता की जो व्यवस्था की गई है, तो ये सारी विशेषताएं जो है हम लोगों ने देखा। यहाँ पर अभी और भी कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्र निकाय, ये लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता होती है। स्वतंत्र निकाय, भारतीय शासन संविधान में तीन प्रकार के जो संगठन है जो स्वतंत्र निकाय के अंतर्गत, ये दपाते तो कई हैं लेकिन इन्हें हम विशेष रूप से देखते हैं। जैसे एक तो हो गया निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र रूप से काम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से जनता की जनादेश के साथ न्याय होता है और उसके जनादेश के आधार पर सरकार बनती है जो नीतियों का निर्माण करती है और जनता के हित में काम करती है, इसलिए इसका जो होना आवश्यक है। और निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 ए के बीच में जो है व्यवस्थित किया गया है। तो ये निर्वाचन आयोग की व्यवस्था यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला है CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 और भाग के रूप में देखा जाए तो 5, भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसका काम। वैसे अगर आप लोग किताबों में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही जटिलताओं के रूप में बहुत ही जटिल तरीके से इसको व्याख्या किया गया। बस मैं इसको अगर सरल भाषा में समझाने का आप लोगों को प्रयास करूं तो इसका यह मतलब है कि सरकार विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए जो पैसा देती है, अगर इसको साधारण शब्दों में देखा जाए, बहुत तकनीकी शब्दों में न देखा जाए, तो कहा जा सकता है जो सरकार वहां से पैसा भेजती है तो जो खर्च होता है उसको जो है रजिस्टर में लिखा जाता है। तो पूरे देश में इस तरीके से बहुत पैसे आते हैं तो सभी प्रकार के खर्चों को रजिस्टर में लिखा जाता है, उन लेखाओं का जो है उन रजिस्टरों का संकलन जो है वो CAG के द्वारा किया जाता है, जो राज्यों में वो AG के माध्यम से करवाता है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो है AG राज्यों में करता है ये इस काम को, और ये सभी राज्य जो है भेज देते हैं और यहाँ पर वो संकलन या कंपाइल होता है वो CAG करता है, तो लेखाओं के माध्यम से। उसके बाद इस रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से सदन में रखवाता है, तो राष्ट्रपति जो है संसद में और राज्यपाल उसको राज्यों में विधानमंडल में रखते हैं। वहां पर तब एक शब्द आता है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, जो उस पर चर्चा करती है और सरकार से ये पूछती है कि भैया ये जो पैसा गया था आपके यहाँ, जो धनराशि गई थी, वो सही तरीके से खर्च है या नहीं, क्योंकि जनता का पैसा जो है वो सही जगहों पे खर्च होना जरूरी है, तभी देश का विकास हो सकता है। तो PAC इसी के साथ जुड़ी हुई संस्था है। तो शायद आपको ये चीज थोड़ा सा समझ में आया होगा बहुत ही व्यवहारिक ढंग से। या तो घरों में भी व्यवस्था होती है कि घर में अगर हम व्यवहारिक स्तर पर देखें तो कोई मालिक है वो खर्च कर रहा है, तो कोई अगर तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है भाई कहाँ कहाँ आपने खर्च किया, मालिक अगर किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये दिया तो शाम को पूछेगा कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, तो वो रजिस्टर में अगर या किसी पन्ने में लिख करके ले आया तो उसको दिखा देगा कि हमने यहाँ यहाँ पे खर्च किया। तो यही जो लेखन की व्यवस्था है उसको कंपाइल करने का काम जो होता है वो AG और CAG के पास होता है। ये रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास जो है देती है, उसे सदन में रखा जाता है, तब वहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, लोक लेखा समिति होती है, जो सरकार से विभिन्न सवाल पूछती है, और इसी PAC के माध्यम से जो है पूर्व में जो भी कथित रूप से घोटाले चर्चा में आए हुए हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो या कोल ब्लॉक आवंटन का मामला हो, वो PAC के स्तर पर जो इसका जो खुलासा हो रहा था और वहाँ पे सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये संस्था का जो है निष्पक्ष रूप से होना और काम करना बहुत आवश्यक है CAG का, तभी तो देश के बजट के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो पाएगा। तो CAG यहाँ पे यही काम करती है जिसका कि भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 या 148 से 151 के बीच में उसका उल्लेख होता है। अगला है जो है आपका UPSC, यद्यपि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, प्रोविंशियल
की बात यहाँ पे हो रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि अनेक अनेक राज्यों में जो है इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, क्योंकि ये जो है विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जो भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है, इसलिए इसका निष्पक्ष होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो है इसका जो है प्रावधान किया गया है, और कि प्रत्येक राज्य के लिए और केंद्र में संघ के लिए जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था की गई है, यदि संविधान कहीं पर पूछा जाता है तो ये आपको जो जानकारी में होना आवश्यक है। इसके बाद में जो है आपको विशेषताओं के रूप में अगर देखना है तो आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, मौलिक अधिकार की व्यवस्था। अगला है नीति निदेशक तत्व, अगला है मौलिक कर्तव्य, 1976 ईस्वी में इसे जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पे। अगला है आपातकालीन व्यवस्था, अगला है त्रिस्तरीय सरकार, अगला है वयस्क मताधिकार। अब आप लोगों ने देखा ये संविधान की व्यवस्था है, संविधान की विशेषताएं। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में इसका उल्लेख किया गया है, और अगले कुछ चैप्टर में हम लोग इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। लेकिन मौलिक अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान की एक विशिष्ट व्यवस्था, जिससे नागरिकों को कुछ अवसर प्रदान किया गया है, वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, ये भारतीय संविधान की विशेष। नीति निदेशक तत्वों में जो है वह जो प्रावधान जो मौलिक अधिकारों में लागू नहीं किए गए लेकिन वो आवश्यक थे, उसी नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में सम्मिलित किया गया है, और इसके माध्यम से देश में जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, और इसके माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 1976 में लागू किया गया। ये कई बार प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं, और इसी में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और भी कर्तव्य जोड़ा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा। ये सवाल जो भी लाइनें में बोल रहा हूँ वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो परीक्षा में पूछे भी गए हैं, और आपकी परीक्षा में चूंकि सिलेबस है तो वो पूछा जाना लगभग तय है, इसलिए इसे ध्यान में रखना होगा। आपातकालीन की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 60 में इसका प्रावधान किया गया है, विशिष्ट प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए। इसके आधार पर जो है आलोचनाएं भी भारतीय संविधान की जाती है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है, संघ सरकार, राज्य सरकार, और इसी तरीके से देखा जाए तो पंचायतों की व्यवस्था 93वां और 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 1993 ईस्वी में लागू किया गया, और 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी जो है मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, यानी कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं उन्हें जो है वोट देने का अधिकार दिया गया, सरकार को चुनने का अधिकार दिया गया। पूर्व में ये आयु ज्यादा थी, और इसे जो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है, और यहाँ पे जो है वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था इसी जो है निर्वाचन वाले भाग में, यानी कि जो है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में जो है किया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की विशिष्ट विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं से सवाल आपके परीक्षा में जो पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर के माध्यम से और इसके पूर्व में जो भी लेक्चर भारतीय संविधान पर लिया गया था विशेषताओं के अंतर्गत, उन दोनों ही टॉपिक के माध्यम से आपको इस टॉपिक के बारे में और पूरे संविधान के बारे में एक बेहतर समझ जो है मिली होगी।
तो आज का ये लेक्चर जो भारतीय संविधान की विशेषताओं पर दूसरा और अंतिम भाग था, अब इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर आधारित हम आपको वैकल्पिक सवालों का भी जो हल उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।